कोटा में डेंगू की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। डेंगू के 10 नए और स्ट्रेप्टाइफस के 3 नए मरीज मिले हैं। कोटा में डेंगू कोविड की तरह व्यवहार कर रहा है। मरीजों में मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। डेंगू में डबल अटैक से दिमाग, किडनी, लंग्स और लिवर पर असर पड़ता है। जिले के किसी भी अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल खचाखच भरे दिखाई दे रहे हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर की शिकायत भी संभावित बताई जा रही है। विस्तार से इस खबर पर जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय कोटा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणय, विस्तार से हमें कोटा में चल रहे हालातों की जानकारी दें कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। जी भारती, अभी कोटा में दो तरीके से समस्याएं पैदा हैं। पहली ये है कि कोविड के लक्षण के मरीजों से जो चिकित्सा विभाग है वो चिंतित है। पिछले 4 दिनों में 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड मरीजों की रिपोर्ट की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन कोविड के लक्षण वाले जो मरीज हैं उन्होंने चिकित्सा विभाग को खासा चिंतित किया हुआ है। खास बात यह है कि RTPR रिपोर्ट जो है मरीजों की वो नेगेटिव आ रही है, लेकिन लंग्स पूरे संक्रमित हैं, यहाँ तक कि सारे लक्षण हैं वो कोविड की तरह हैं। दूसरी बात ये है कि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लगातार गिर रहा है, लंग्स संक्रमित है, सिटी स्कोर रिपोर्ट भी लंग्स भी सिटी स्कोर रिपोर्ट में भी लंग्स 10 से ज्यादा खराब आ रहे हैं, श्वास की तकलीफ हो रही है। तो हालात एक तो कोविड की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चिंताजनक स्थिति है डेंगू। डेंगू के जो मरीज हैं उनका व्यवहार भी कोविड की तरह हो रहा है। मरीजों में मल्टी ऑर्गन फेल होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसे मरीज देखे गए हैं जिनकी मल्टी ऑर्गन फेलियर की समस्या हुई है। पिछले 1 महीने में 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज आ रहे हैं जिनकी कोविड की तरह स्थिति है। हालांकि कोविड और डेंगू में खास अंतर संक्रामकता का होता है। कोविड संक्रामक होता है जबकि डेंगू केवल मच्छर से फैलता है। फिर भी डेंगू में संक्रमण के बाद कोविड की तरह व्यवहार हो जाता है। खास तौर पर डेंगू का डबल अटैक जो होता है वो मरीज के लिए घातक होता है, जो एक्सपर्ट बताते हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो डेंगू के डबल अटैक वाले मरीज हैं वो करीब 10% है। 80 से 90% मरीज सामान्य डेंगू के हैं जो 4 या 5 दिन के बुखार से सही हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो डेंगू का डबल अटैक के 10% मरीज जो देखे गए हैं यहाँ पे, उनमें दिमाग, किडनी, लीवर और लंग्स इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में मरीज का रिकवर होना बहुत आसान नहीं है। चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू के वायरस 4 वायरस होते हैं जिसमें Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 और Dengue 4 कहते हैं। उनका कहना है कि डेंगू में स्थिति बिगड़ने पर शरीर के खून से पानी निकलकर पेट में भरने लगता है। इससे लीवर, किडनी, लंग्स काम करना बंद करने लगते हैं। इसका सीधा प्रभाव दिल पर पड़ने लगता है। ऐसे में व्यक्ति गंभीर हो जाता है, उसको बचने की उम्मीद 0.01% हो जाती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि डेंगू पॉजिटिव आने के बाद पीड़ित को समय से उपचार मिलता रहे। तो ये स्थिति कोटा में है। इसका टाइफस के 3 मरीज हैं, वायरल के मरीज लगातार हैं, उनकी गिनती के बाहर हैं। जो कोटा का आउटडोर है मेडिकल अस्पतालों का वो 7,000 के पार हो चुका है सीजन का, मतलब पिछले 3 सालों में ऐसा कभी आउटडोर नहीं रहा जो रिकॉर्ड आउटडोर है। यहाँ की जो लैब है उन लैबों में जगह नहीं है, जांचें इतनी ज्यादा आ रही हैं, अस्पतालों में सारे बेड भरे हुए हैं, मतलब पूरी तरीके से हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, सजग है, लेकिन जो लगातार जो बेहिसाब मरीज आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए थे।